वेलकम टू स्विंग मशीन गुरु। आज हम आपको 130 के मॉडल में पिको वाली मशीन में बेल्ट डालना बताएंगे। बेल्ट मींस आप देख सकते हो ये बेल्ट है, और मार्केट में दो तरह के बेल्ट मिलते हैं, जो अदर कंपनी के होते हैं और एक रालसन कंपनी का है। आप देख पा रहे होंगे रालसन कंपनी का है, इसमें 72 कड़ी आती है, किसी में 73 आती है और इसमें 75 पूरी आती है। बहुत लोगों की मुझे कंप्लेन थी, सर जब भी हम बेल्ट डालते हैं यानी कि चैन डालते हैं तो मशीन जाम हो जाती है, और इतनी जाम हो जाती है कि हम लोग कुछ भी करते हैं फिर भी मशीन बहुत जाम हो जाती है। तो उनके लिए जो बिगनर है, जो घर पे खुद डालना चाहते हैं चैन को, तो आप ये यूज़ कीजिए रालसन की। ये इसमें आपको लूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीन कड़ी जो एक्स्ट्रा दी गई है वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये डालने के बाद आपको लूज़ करना पड़ता है, इसको डालने के बाद आपको लूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसे डालते हैं, ठीक है। रालसन कंपनी की कहीं पे भी किसी भी शॉप पे आप मांगोगे तो वहाँ देगा आपको। तो चलिए मैं आप दिखा देता हूँ आपको। कुछ मेरे भाइयों ने गए वीडियो में बताया था एक साल पहले कि सर नया डाल के बताओ, वो नया ही था मेरे भाई, मैंने खोल के ही डाला था, लेकिन क्या टाइम बचाने के लिए मैंने पूरा नहीं किया था। आप देख सकते हो वो डालने का तरीका ये ऊपर वाला रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रालसन ब्रांड की चेन आती है, ठीक है। अब हम इसे डालना कैसे वो बताएंगे, ठीक है। पहले तो ये फेस प्लेट खोल लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रू को खाली लूज करना है, ये निकल जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे इसके अंदर, थोड़ा लाइट दिखाना, यहाँ पे एक होल दिया गया है, होल के सामने एक स्क्रू दिया होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे रख देते हैं मशीन को, छोटा सा पेचिया लेंगे और एकदम सेंटर में रख के इसे सिर्फ लूज करना है। जैसे आप लूज करोगे, और यहाँ पे एक चिपिया लगा है, इस पिन को हमें थोड़ा धक्का मारना है पीछे के सही, ये देखिए ये निकल गया, देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक चुंबक रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और इसे मैं यहाँ चिपका देता हूँ कि कोई सामान इधर उधर ना हो, ठीक है। ये हो गया, अब हम इसके नीचे लकड़ा या जो आपके पास अवेलेबल हो उस तरीके से काम कीजिए, और इसे हमें ऐसे रख देना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये गोल जो शाफ्टिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक स्क्रू है, इसे सिर्फ लूज करना है, ठीक है। ये लूज हो गया, और इसे दूसरा जो सेंटर में बोल्ट होगा उसे हमें पूरा खोल देना है, ऐसे करके इसे बाहर निकाल देना है पूरा, एक को सिर्फ लूज करना है और एक को पूरा खोल देना है। ये चुंबक के सहारे मैंने इसको बाहर निकाल लिया, देख सकते हो। अब इसे इस यहाँ पे आ जाते हैं, हम एक लाइन से काम कर रहे हैं, देख आपको आप देख पा रहे होंगे। अब आप इसे लूज करके पूरा निकाल देना है, क्या आपको बार बार दिक्कत हो। इसमें आप पकड़ से भी खोल सकते हो, वरना 6-7 का पाना लगता है, 7 नंबर लगेगा इसमें। ये इधर वाला साइड ऊपर की साइड खुलता है, और ये नीचे की साइड, ठीक है। इसे हमें ऐसे करके बाहर निकाल लेना, ठीक है। अब ये जो एक चिपिया है, इसे घड़ी को ऐसे घुमाइए, जो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और इसे हमें बाहर निकाल लेना। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिन लगी है, ये ध्यान रखना आप भूलना नहीं, ठीक है। ये निकल जाए तो इसमें लगती है, देख लो यहाँ लगेगी, ठीक है। ये पॉइंट वाला भाग ऊपर की साइड होगा, और ये ग्रिप वाला भाग भी ऊपर की साइड होगा, ये ध्यान रखना। इसे भी हम यहाँ चुंबक में चिपका देते हैं, और ये गियर है, ये हो सके तो आप निकाल देना, नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, ठीक है। ये पूरा गियर है, ठीक है। अब ये वाले गियर को हमें लूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, इसे भी हमें यहाँ पे दो होते हैं, इसे भी लूज करना है,
इसे भी लूज कर देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे चाल गोले के पास यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसे भी लूज करना है, निकालना किसी स्क्रू को नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि ये लगाने में बहुत तकलीफ होती है। ये देखो, इसके लिए आपको पेचिया थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे हो गए लूज, ये भी हो गया है, इसमें एक ग्रिप आती है तो ये ध्यान रखे कि ग्रिप में स्क्रू रहना चाहिए। ये हमें हाथों से लूज कर लेना है ऐसे करके, क्योंकि बहुत टाइम से अगर मशीन जाम हो ना तो जल्दी खुलता नहीं है, इसे हमें निकाल लेना है। ये ध्यान रखे टूटे नहीं, ये डेलिकेट चीजें होती है कुछ। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत जाम है, मैंने ताकत लगा के निकाला तो निकल गया, देख लीजिए। इसमें इतना जाम क्यों था, क्योंकि जाड़ा ऑयल डाला है इन्होंने। इसे हमने कर दिया नीचे, ये गोला निकल गया, ये गियर, ठीक है। अब हम कपड़े से हाथ को थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसे भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। शाफ्टिंग के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे साफ कर लेते हैं। मैं हम लोग इसे पॉलिश मारते हैं, लेकिन आपको सीधा डाल के दिखाना है क्योंकि आपके घर ये अवेलेबल होगा नहीं, इसके लिए मैं भी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये भाग ऊपर की साइड रहेगा, ध्यान रखना। ये चला गया, ठीक है। और इसे पेचे के सहारे से या जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया। अब ये जो गोला है इसमें जो ये ग्रिप वाला भाग है ये अंदर की साइड रहेगा, ये ध्यान रखना। ये देखिए ये चला गया, क्योंकि ये बेल्ट थोड़ा सा चार पांच आकड़ी तीन आकड़ी बड़ा है, इसके लिए आराम से आ गया, ठीक है। अब हमें इसे पकड़ना है, इसे सेंटर में लेना है ऐसे, फिर ये शाफ्टिंग को इस हिसाब से डालना, देखिए, ठीक है। और इस बेल्ट को यहाँ से थोड़ा सा आप पेचे की मदद से थोड़ा सा बाहर के साइड ढकेलेंगे, ये एक बार इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा आपको जाम लगेगा, ध्यान से कोई चीज मिस ना करें, ये आधे में ही रोक लेना, फिर उसके बाद ये लगाना है हमें। आप देख पा रहे होंगे इसे यहाँ लगाना है, ये ध्यान रखें, वरना आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको फिर वापस खोलनी पड़ेगी मशीन। तो ये बहुत आसानी से ऐसे घुमाकर थोड़ा टाइट लगेगा, देख पा रहे होंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद इस गोले को ऐसे उंगली से सेंटर में ले लीजिए, ये देखिए पूरी शाफ्टिंग चली गई। और सबसे पहले काम करना है आपको टिक टिक टिक।
जो सेंटर वाला स्क्रू है, बोल्ट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा एक होल होता है शाफ्टिंग के आर पार, उसमें हमें ये पॉइंट वाला स्क्रू टाइट करना है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसे हमें यहाँ पे फिट करना है ऐसे करके। ये ध्यान रखना ये घूमे नहीं बिल्कुल भी, इसे पकड़ लेना एक हाथ से, बहुत आसान है ये बेल्ट डालना, कोई इतना ही मुश्किल काम नहीं है। ये इसे फुल टाइट कर देते हैं और ये जो दूसरे वाले को भी फुल टाइट कर देना है। ये हो गया, अब यहाँ आ जाते हैं। अब हम इसे पहले ये गियर लगा लेते हैं, इसमें दांते दांत दिखे कट टू कट होना चाहिए एकदम, ठीक है, उसके बाद हमें इसे भी टाइट कर देना है, बहुत आसानी से होता है, क्योंकि बहुत गांवों में अगर किसी की मशीन हो और किसी का बरसात में बेल्ट टूट जाए या कुछ हो जाए तो जिसको बेचारे को तकलीफ होती है वो खुद ही जानता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, शाफ्टिंग में एक जगह पे खाच आती है, अब आपको कैसे पता चलेगा वो कहाँ है, तो ये वाला जो एक स्क्रू है और ये जो सेंटर वाला, इधर आइए, और यहाँ पे एक सेंटर वाला बोल्ट दिया ना, इसका जो होल है और इसकी जो ग्रिप है वो एक ही समान रहेगी, तो हमें क्या करना है, एक स्क्रू को इसके सेंटर में टाइट कर देना है, ठीक है, एक स्क्रू को इसके सेंटर में हमें रख के टाइट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिप में ही आएगा, इसे हमें टाइट कर देना है पूरी तरह के, ध्यान रहे हिले नहीं। ये देखिए इसे फुल टाइट, ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसे फुल टाइट करें, इसे बिल्कुल लूज ना रखें, थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ, या एक ये बेल्ट रालसन का डालने के बाद आपको लूज नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रालसन की पूरी ब्रांडिंग आती है बेल्ट के ऊपर, तो आपको कोई शॉप वाला बोल भी नहीं सकता है, ठीक है, ये हो गया। और रहा ये पिन के बाद बता रहा था मैं आपको, ये जो भाग है ये ऊपर की साइड रहेगा, ये ध्यान रखिए, ये वाला जो भाग है ये ऊपर की साइड रहेगा और वैसे ही हमें इसमें लगा देना है, ये ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे ये चिपिया, ये वाला इसमें अंदर जाएगा, इसे हमें हल्का सा टेढ़ा करके उसके लगा देना है, फिर उसको थोड़ा सा घुमाना है और थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करेंगे, ये चला गया बहुत आसानी से, ठीक है। अब इसे हमें जैसे ये चिपिया लगा है वैसे ही इसे हम इसमें डाल के मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा खड़ा करके बताना चाहूंगा, जो लिंक है लिंक में इसको कैसे पकड़ लें और ऊपर नीचे करके इसे खाली हल्के हाथ से ठोक देना, ये चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे वापस वही पोजीशन में हम रख देते हैं, इसी पोजीशन में रखने के बाद इसे सेंटर में किए और ये जो गोली है पॉइंट वाली, इसे हमें बहुत आसानी से रखना है और इसे सेंटर में रख के टाइट कर, इसे ये मैं आपको
ये है ना, ये निडल रॉड का सेंटर लेने में भी काम आता है चाल के लिए। आप देख सकते हो ये अंदर बाहर कर रहा है, ये ध्यान रखना ठीक है। जब आपकी अगर सेंटर सही नहीं हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैं ये भी बता देता हूँ। अब इसका सेंटर लेना है हमें, ये हमेशा याद रखे, जब निडल रॉड नीचे जाने की पोजीशन में होती है, आप देख पा रहे होंगे, उसके साथ ये देखिए नीचे जाने की पोजीशन में होती है। तो ये वाला जो गियर है, ये वाला गियर को हमें ऐसा हल्का सा ऊपर उठा के आप शाफ्टिंग के सीधा रख सकते हो, इस साइड हो या शायद उस साइड भी हो तो भी चलेगा। ये गियर का कोई सेंटर नहीं होता है, इसको जब नीचे जाने की पोजीशन में हो या तो ये शाफ्टिंग के सीधे हो या इस साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ऐसे करके हमें कर देना, अगर ये थोड़ा भी क्रॉस हुआ तो कपड़ा फटेगा, ये ध्यान रखना। बहुत लोग बोलते हैं ना कपड़ा फट रहा है मशीन में, तो इस हिसाब से होता है। अब इसे हमें टाइट कर देना, बहुत ही आसानी से हमने बेल्ट डाल लिया। आपने देखा 15 से 20 मिनट में आप, मैं एकदम लूज आपको दिखाने के लिए इतने धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी अगर रहोगे ये पेचे से भी टाइट हो गया देखिए ठीक है। अब दूसरी चीज है ये वाला, इसे बहुत आसानी से बाहर निकालें ये, और इसे हल्के से टाइट करें। इसका सेंटर भी बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखें, आप देख पा रहे होंगे इसे हमें हल्का सा लूज करना है और इसे छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया ना तो बहुत जल्दी हाथ में नहीं आएगा ठीक है। ये भी वही है जैसे मैंने बताया ना कि ये सीधा जब निडल रॉड नीचे जाएगी ना तब ये पहले वाला स्क्रू को हमें टाइट कर देना है, ये हो गया टाइट ठीक है। अब इसमें से एक तकलीफ आ रही है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इसमें लग रहा है, ये आपसे भी हो सकता है ठीक है। तो इसे कुछ नहीं करना, हल्के हाथ से घुमाइए, इसे हल्का सा लूज कीजिए ठीक है, इसे भी हल्का सा लूज कर दीजिए और इसे हल्के हाथों से सेंटर में ले लीजिए, ना इधर लगे ना इधर लगे, आप देख सकते हो ना इधर लगे ना इधर लगे, और दोनों की तरह पहले की तरह हमें इसे सेंटर में रख के टाइट कर देना है। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए मशीन एकदम फ्री है, आपको लगेगा यानी मशीन टाइट है ठीक है। और आखिरी काम जो बचा है वो इसे टाइट करना बचा है, उसे हमें सेंटर में लिया हुआ है मैंने, उसे खाली इसे यहाँ पे पकड़ लीजिए और छोटे से पेचिए से इसे भी टाइट कर दीजिए, जब फुल टाइट हो जाए। अब लास्ट काम बचता है सेटल सेटिंग, तो सेटल सेटिंग का मेरा बहुत सारी वीडियो है तो आप देख सकते हो ठीक है। ये हमने बेल्ट डालना बता दिया आपको, ये मशीन पूरी लूज है आप देख सकते हो, इसमें आपको लूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी शॉप से आप रालसन की बेल्ट ले आइए और डाल दीजिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो वीडियो चैनल है आपको हर बार मशीन की नई नई जानकारियां देते हैं। थैंक यू।